फलौदी के कुरंजा संरक्षित क्षेत्र खीचन को पावर ग्रिड कंपनी द्वारा प्रार्थनीय प्रशासनिक स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय फिल्मकार माइक पांडे के मुख्य अतिथि में पक्षी एम्बुलेंस ग्राम पंचायत खीचन को भेज की गई है और जानकारी के अनुसार फलौदी के खीचन गांव स्थित प्रवासी पक्षी कुरंजा के संरक्षण को लेकर सजगता से कार्य किया जा रहा है, लेकिन कुरंजा के कुत्तों से काटे जाने, विद्युत लाइनों से टकराकर घायल होने पर उन्हें रेस्क्यू सेंटर तक पहुंचाने में आ रही समस्याओं के समाधान को लेकर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से पावर ग्रिड कंपनी द्वारा पंचायत समिति सभागार में ग्राम पंचायत खीचन सरपंच को सुपुर्द की गई, जो जोधपुर जिले में ये पहली पक्षी एम्बुलेंस होंगी जो केवल विदेशी मेहमान प्रवासी पक्षी कुरंजा के उपयोग में लाई जाएगी। पावर ग्रिड कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा प्रशासनिक अधिकारी की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय फिल्मकार माइक पांडे को भी पक्षी एम्बुलेंस की चाबी सुपुर्द की गई, जो उनके द्वारा ग्राम पंचायत खीचन के सरपंच को भेज की गई है। इस दौरान एजीएम हाकम खान, एसडीएम यशपाल आहूजा, डीवाई एसपी पारस सोनी सहित पावर ग्रिड कंपनी के प्रतिनिधि व कर्मचारी उपस्थित थे। आज इस एम्बुलेंस को जब सुपुर्द किया गया था, हमारा सौभाग्य है कि विश्व के जाने माने पर्यावरणविद, पक्षीविद, जैव विविधता के विशेषज्ञ महान शख्सियत माइक पांडे साहब भी हमारे बीच उपस्थित थे। उनके मुख्य आतिथ्य में और उनके सानिध्य में ये एम्बुलेंस हैंड ओवर की गई है। कंपनी के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे और बड़ी शुभ घड़ी है। इस क्षेत्र के पक्षी प्रियों में, पक्षी प्रेमियों में एक हर्ष की लहर है। हम चाहेंगे कि कंपनी के माध्यम से, भामाशाहों के माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से जितनी हमारी क्षमताएं हैं, जितनी हमारी शक्ति है, ऊर्जा के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास किए जाते रहें ताकि ये विदेशी प्रवासी पक्षी लगातार हमारे यहाँ आता रहे और सदियों से हमारा ऐसे नाता है जो बरकरार रहे। थैंक यू। सिर्फ यही है कि देखिए, चिड़िया अगर 5-6 हज़ार किलोमीटर चल के आती है यहाँ पर हर वर्ष तो क्या, ये तो ऐसी एक जगह है जहाँ पर पानी भी दुर्लभ है और भोजन भी दुर्लभ है, फिर भी क्यों कुर्ज यहाँ आती है 5-6 हज़ार किलोमीटर कई एक जगह छोड़कर? क्या ये लोगों का स्नेह है या क्या कई वर्ष पहले लोगों ने जो अब ये इंजर्ड थी या मर रही थी तो उनको भोजन दिया खाने के लिए? तो ये भावना भी समझती हैं, ये ऐसी प्रजातियाँ हैं कि इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर चिड़िया कह